नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार टाइम 24 में। मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। यूपी में महागठबंधन के बैकग्राउंड पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच आपसी सहमति बन चुकी है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने की तैयारी पूरी तरह से बना चुके हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच आपसी सहमति बनने के बाद राहुल और अखिलेश मिलकर उत्तर प्रदेश में डिंपल यादव और प्रियंका गांधी के साथ बीजेपी को रोकने की तैयारी कर चुके हैं। हालांकि मुलायम सिंह अभी भी अखिलेश को सीएम का चेहरा बताकर इस उम्मीद में हैं कि वह शिवपाल और अमर सिंह को यूपी की राजनीति से किनारे करने को तैयार हैं, लेकिन अखिलेश उस राम गोपाल को किनारे करें जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले संयुक्त जनता परिवार के अध्यक्ष बनाए गए मुलायम सिंह यादव को ये कहते रहें कि इसका हिस्सा मत बनिए, यूपी में सीमित रहिए। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह कहते हैं कि उस दौरान रामगोपाल यादव की बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ मिलने की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई थी। सपा और कांग्रेस के बीच आने वाले दिनों में समझौता तकरीबन तय दिख रहा है। बात समाजवादी पार्टी के अखिलेश गुट की है, जिसके साथ कांग्रेस के लगातार रणनीतिकार प्रशांत कुमार लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर बता चुके हैं कि समझौता तकनीकी तौर पर जीत और हार के लिहाज से होना चाहिए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रशांत किशोर की दोनों बातों से सहमत है। सूत्रों का कहना है कि सब कुछ सही दिशा में चल रहा है। 10 जनवरी यानी मंगलवार को अखिलेश यादव दिल्ली आकर राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद अगले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ अजीत सिंह की आरएलडी संजय निषाद और निषाद पार्टी पीस पार्टी आरजेडी अपना दल का दूसरा गुट अनुप्रिया पटेल के खिलाफ है। पीस पार्टी जैसे छोटे दल मिलकर बिहार की तर्ज पर महागठबंधन बनाएंगे। इससे बिहार की तर्ज पर नीतीश कुमार की भूमिका में अखिलेश यादव नजर आएंगे, इसलिए सियासी दांवपेच के राउंड रोबिन आधार पर मैच जारी है। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि इस पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह या तो उनका होगा या फिर फ्री होगा। अखिलेश समाजवादी पार्टी से प्रोग्रेसिव समाजवादी पार्टी के मुखिया बनकर साइकिल के विकास को आगे बढ़ाते हुए मोटरसाइकिल को चुनाव चिन्ह बनाएंगे। हालांकि क्या संभव हो पाएगा, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। मुलायम ने लखनऊ पहुंचकर साफ कर दिया कि सरकार बनेगी तो अखिलेश अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन मामला वहीं फंसा रहा कि मुलायम के राजनीतिक पहलवान शिवपाल और अमर सिंह मुलायम के लिए सरेंडर करने को तैयार हैं। अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर सभी सहमत हैं, लेकिन क्या मुलायम अमर और शिवपाल को किनारा करा पाएंगे? क्या अखिलेश यादव रामगोपाल यादव को साइड कर पाएंगे? मुलायम ने कोशिश की है कि बेटे तुम मेरा अगला मुख्यमंत्री है, मेरी बात मान ले, लेकिन अखिलेश परेशान है कि आज बात मान ली पर कल को शिवपाल और अमर के कहने पर नेताजी पलट गए तो मैं क्या करूँगा। हालांकि मुलायम और अखिलेश बाप बेटे हैं, बात करके फैसला कर सकते हैं। पुराने नेता इस कोशिश में हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, काश उम्मीद पूरी हो जाए, इसलिए समाजवादी परिवार के झगड़े में परिवारवाद जोर पकड़ रहा है, समाजवाद पीछे छूट रहा है, लेकिन लगाम किसके हाथ होगी झगड़ा इस बात का है। मुलायम मानने को तैयार नहीं है और अखिलेश यादव लगातार लगाम खींच रहे हैं, इसीलिए मामला उलझा हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि समाजवादी पार्टी में ये घमासान इसी तरह से जारी रहेगा या फिर इसका कोई समाधान भी निकलेगा। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समाचार टाइम 24। नमस्कार।